हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक्स ऑन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो रियलमी ने जो रियलमी का नार्जो 50A लॉन्च किया 11,500 रुपया में 4GB RAM 64GB इंटरनल के साथ। तो फोन को ऊपर में देखते हुए आपको लगेगा फोन तो काफी अच्छा है, बट अगर आप गौर से नोटिस करेंगे ये फोन जो थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। ये फोन का प्राइस होना चाहिए था 11,000 रुपया या उससे भी नीचे। अगर 11,000 रुपया होता तो ये फोन को जो क्लियरली सभी को रिकमेंड किया जा सकता था, बट 11,500 रुपया हुआ इसमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, इसको दिखाने के लिए हम लोग जो है आपको जो इन्फिनिक्स का हॉट 11S है इसका साथ कंपैरिजन करके दिखाएंगे, तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। एकदम वीडियो का लास्ट तक देखिएगा, फिर भी जो है जो ये रियलमी नार्जो 50 ये क्यों ज्यादा सेल में जाएगा ये भी जानने को मिल जाएगा ये वीडियो में। तो चलिए देख लेते कंप्लीट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले दोनों फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी देखते हैं। तो रियलमी ने जो डिजाइन इस बार यूज किया ये कंप्लीट एक अलग टाइप का डिजाइन देखने को आपको मिलेगा। स्पेशली जो कैमरा बम्प एंड फिंगरप्रिंट को लेकर जो एक अलग ही टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, डिजाइन थोड़ा रिफ्रेशिंग देखने को मिल जाएगा, ओवरऑल डिजाइन अच्छा है, प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है। सेम टाइम जो इन्फिनिक्स का हॉट 11S है ये भी काफी अच्छा डिजाइन है, ये भी प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है। एंड स्पेशली कैमरा बम्प का डिजाइन जो है काफी प्रीमियम देखने को लगता है। एंड ओवरऑल इन्फिनिक्स डिजाइन के मामले में काफी अच्छा काम करते हैं, तो इस फोन का भी डिजाइन आपको अच्छा खासा ही मिल जाएगा। ये भी एक प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो दोनों में आपको पीछे फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, काफी एक्यूरेसी के साथ काम करते देखने को मिलेगा। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दोनों में है, दोनों में ड्यूल सिम प्लस एसडी कार्ड आप सेम टाइम यूज कर सकते हैं। दोनों में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जो इन्फिनिक्स का फोन में देखने को मिल रहा है, बट रियल में इस बजट का फोन में अभी भी ड्यूल स्टीरियो स्पीकर को इंट्रोड्यूस नहीं किया। यह चीज थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि आज के दिन में 10,000-11,000 रुपया का फोन में आराम से आ जा रहे, तो रियलमी को यह चीज देना चाहिए। एंड यह चीज हम लोग काफी बार बोला तो यह चीज इधर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसको छोड़कर अगर दोस्तों दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज देखेंगे, दोनों फोन में जो आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा, स्टोरेज जो है eMMC 5.1 देखने को मिलेगा दोनों में। एंड बिकॉज UFS देखने को नहीं मिलने का, अब ये जो प्रोसेसर यूज किया गया प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करते। तो दोस्तों आप इतना दूर आ ही गया वीडियो का, मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल हो रहा है, बट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगने पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए चैनल में व्यूअर सिस्टम सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का आसपास चल रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल को काफी ज्यादा ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है या कुछ भी चीज रिकमेंड करना है, वीडियो कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो ये सब चीज नीचे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। स्पेशली ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ये वीडियो स्पेशली जो उतना ही ज्यादा व्यू गेन करने में हेल्प होगा। दोस्तों नेक्स्ट डिस्प्ले देखते हैं, जो सेक्शन में सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मुझको लगा नार्जो 50 ए क्या। तो रियलमी नार्जो 50 है जो है इधर आपको एक HD+ रेजुलेशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 6.5 इंच का। इधर जो है आपको डुअल ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ये जो है आपको 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ भी देखने को मिलेगा। एंड अगर आप ये डिस्प्ले को गौर से नोटिस करेंगे, रियलमी जो ये सेम डिस्प्ले रियलमी 5 की टाइम से यूज करते आ रहे हैं। सब कुछ लेकर जो है मुझको ये जो डिस्प्ले इसको पसंद नहीं आया 12,000 या 11,500 रुपया का फोन वाइज, क्योंकि अगर आज के दिन में देखेंगे आपको 10,000 रुपया इवन उसके नीचे का प्राइस सेगमेंट में भी फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, बट रियलमी वालों ने 12,000-13,000 रुपया का फोन में भी ठीक से फुल HD डिस्प्ले नहीं दे पा रहे। सेम टाइम अगर इन्फिनिक्स देखोगे ये मामले में काफी अच्छा 6.78 इंच का फुल HD+ रेजुलेशन का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इधर आपको 5 होल देखने को मिल रहा है, प्लस जो ये 90Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले भी है 180Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ। मतलब डिस्प्ले में देखिए ये जो है कंप्लीट एक पैकेज होकर आ रहा है इन्फिनिक्स का ये फोन। इन्फिनिक्स जब कर पा रहा है क्यों रियलमी कर नहीं पा रहा है फुल HD डिस्प्ले, ये हम लोगों को क्लियर नहीं होता। रियलमी को ऑब्वियसली देना चाहिए, इसके बड़ा रिगार्डिंग हम लोग काफी बार बोला वीडियो में। तो डिस्प्ले में देख सकते कौन सा क्या एडवांटेज है इन्फिनिक्स के पास। नेक्स्ट दोस्तों अगर दोनों फोन का कैमरा को अगर आप नोटिस करेंगे, दोनों में ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी देखने को मिलेगा। सामने का सेल्फी शूटर जो ओवरऑल अच्छा आपको देखने को मिलेगा डे लाइट कंडीशन में, इवन लो लाइट में भी आपको सेल्फी प्लस से यूज करते हुए आपको अच्छा खासा पिक्चर क्लिक करते देखने को मिल जाएगा। बैक में जो है दोनों में जो ट्रिपल कैमरा के अंदर प्राइमरी कैमरा है, दोनों में 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, सैमसंग का JN1 सेंसर देखने को मिलेगा। बट रियलमी का फोन में अपर्चर 1.8 देखने को मिल जाएगा, सेम टाइम इन्फिनिक्स का फोन में अपर्चर 1.6 देखने को मिलेगा। काफी लो अपर्चर के साथ ये फोन को देखने को मिल रहा है, बट इतना कितना ऑप्टिमाइज है ये अपर्चर ये भी देखने वाला चीज है, क्योंकि मैं जो पिक्चर अभी तक देखा इन्फिनिक्स हॉट 11S का मुझको जो उतना मतलब इंप्रेसिव नहीं लगा एज पर द f1.6 अपर्चर, बट ओवरऑल पिक्चर दोनों से अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। पिक्सल साइज 0.64 माइक्रोन का देखने को मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में,
12.5 मेगापिक्सल में जब फोटो क्लिक करेंगे पिक्सल साइज 1.28 माइक्रोन देखने को मिलेगा। डे लाइट में तो कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं करेगा, बट लो लाइट में आप जितना एक्सपेक्ट करते हो ना भाई 48 मेगापिक्सल कैमरा की तरह पिक्चर आप इधर भी मिलेगा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। एंड इसका पीछे साइज है, पिक्सल साइज 1.28 माइक्रोन है इसका, जब एक 48 मेगापिक्सल कैमरा का पिक्सल साइज आपको देखने को मिलता है 1.6 माइक्रोन। इसको रिगार्डिंग डेडिकेटेड एक वीडियो है और देख लीजिए तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट देखा जाए तो ओवरऑल आपको डिसेंट क्वालिटी का पिक्चर देखने को मिल जाएगा। इसका बाहर में बाकी दो सेंसर के बारे में बात नहीं करते। फीचर के मामले में फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको HDR बोलिए, ऑटो HDR बोलिए, AI मोड बोलिए, AI पोर्ट्रेट मोड बोलिए, AI ब्यूटीफिकेशन, AI सीन डिटेक्शन, ये सब चीज तो देखने को मिलेगा। वो इधर जो है आपको डेडिकेटेड लो लाइट के लिए लो लाइट मोड देखने को मिलेगा। अभी के टाइम के अंदर कैमरा के अंदर तरह तरह का कलर टेम्परेचर फिल्टर जो होता है ये भी दोनों में आपको मौजूद देखने को मिलेगा। सब कुछ लेकर कैमरा दोनों का मोर ऑर लेस सिमिलर ही देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड अप टू 180p 30fps दोनों में वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। हालांकि इन्फिनिक्स का फोन में आपको 2K वीडियो रिकॉर्ड का सुविधा दिया गया 30fps के ऊपर। एंड इसके साथ साथ अगर स्लो मोशन एंड टाइम स्लैप की बात करेंगे दोनों ही आपको मौजूद देखने को मिलेगा दोनों फोन में, बट EIS देखने को नहीं मिलेगा कोई भी कैमरा का वीडियो सेगमेंट में। बट ये जो प्रोसेसर यूज किया गया ये दो फोन में दोनों में ही जो है प्रोसेसर में EIS का प्रॉपरली सपोर्ट है। एंड ये दो फोन में जो सेंसर है सेंसर की सेक्शन में आपको जायरोस्कोप सेंसर भी देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली EIS देना चाहिए था ब्रांड को, बट ये चीज क्यों प्रोवाइड नहीं किया क्लियर नहीं हुआ मुझे। तो दोस्तों देखिए Realme Narzo 50 है जो 11,500 रुपया का फोन है, तो ऑब्वियसली जब HD+ डिस्प्ले दिया तो इस बजट का फोन में ऑब्वियसली एक अल्ट्रावाइड लेंस होना चाहिए था, यह चीज भी इधर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि यह चीज पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि इस बजट का फोन में Realme पहले अल्ट्रावाइड लेंस देता था, वो चीज को भी इधर से निकल दिया गया। तो सब कुछ लेकर जो मुझको देखिए ये सेक्शन में भी मुझको एक वीक पॉइंट लगा, मतलब फुल HD डिस्प्ले नहीं दिया बट अल्ट्रावाइड लेंस तो देना चाहिए था, बट ये चीज भी इधर आपको मिसिंग देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ लेकर देख सकते कैमरा में भी काफी हद तक कट डाउन आप बोल सकते रियलमी की साइड से देखा जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर देखेंगे तो MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा आपको Realme Narzo 50 में, सेम टाइम MediaTek Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगा Infinix का Hot 11s में। तो G88 जो है ये बेसिकली MediaTek Helio G85 प्रोसेसर ही है। इसको रिगार्डिंग हम लोग एक क्लियर कंपैरिजन किया था, देख लीजिए तो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। बट G88 में क्या होता है थोड़ा बहुत इधर जो इधर उधर किया गया, बट CPU एंड GPU सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों में आपको देखने को मिला होता है, इसलिए जो परफॉर्मेंस सेक्टर में दोनों ही आपको सेम देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड के ऊपर बेंचमार्क 2,20,000-30,000 के बीच में आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। गेमिंग की बात किया जाए तो हाँ आप इधर PUBG कॉल ऑफ ड्यूटी एज ए नॉर्मल प्लेयर की तरह आप आराम से 1-2 घंटे खेल सकते हो, ओवरऑल आपका अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड डेली लाइफ टास्क तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सब कुछ लेकर परफॉर्मेंस सेक्टर में दोनों होनी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बैटरी देखेंगे तो Infinix का फोन में 5000 mAh की बैटरी दिया गया एंड 18W का चार्जर एडाप्टर इनबॉक्स दिया गया। सेम टाइम जो है Realme का फोन में 6000 mAh की बैटरी है एंड इनबॉक्स 18W का चार्जर एडाप्टर इधर भी दिया गया। दोनों से ही आपको फोन को चार्ज होने में तो काफी ज्यादा टाइम तो लग जाएगा, बट बैटरी बैकअप दोनों में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा और एक दिन के ऊपर जो है आपको ओवरऑल में बैटरी बैकअप आराम से देखने को मिल जाएगा दोनों फोन से। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एंड UI देखेंगे तो दोनों फोन में देखिए कस्टम UI है। XOS देखने को मिल जाएगा Infinix का फोन में बेस्ड ऑन Android 11, सेम टाइम Realme का फोन में Realme UI बेस्ड ऑन Android 11 देखने को मिलेगा। तो Infinix का OS एंड ये जो OS है दोनों काफी हद तक सिमिलर काइंड के आपको स्पेसिफिकेशन एंड फीचर प्रोवाइड करता है, बट Realme UI जो ज्यादा पॉलिश्ड है। एंड आज के दिन में अगर आप देखेंगे मार्केट में Realme UI जो काफी ज्यादा स्टेबल है, बग्स के मामले में काफी ज्यादा लो आपको बग्स देखने को मिलते हैं। सब कुछ लेकर देखिएगा जो सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर UI वाइज एक्सपीरियंस में कंपेयर करेंगे तो Realme UI ज्यादा बेटर है देखने को मिलेगा। एंड Infinix का ये जो XOS है काफी ज्यादा हेवी है, कुछ ऐसा फीचर देखने को आपको मिल जाएगा जो फीचर नहीं देने पर भी चलेगा, बट फिर भी इधर दिया जाता है जो मुझको उतना पसंद नहीं है। तो सब कुछ लेकर देखिएगा UI में आपको ज्यादा एडवांटेज Realme UI के अंदर ही देखने को मिलेगा Realme का फोन में। तो दोस्तों दोनों फोन का कंपैरिजन में एक चीज नोटिस कीजिए, Realme का ये फोन जो है 500 रुपया कम में अगर लॉन्च होता या 11,000 रुपया में लॉन्च होता तो ऑब्वियसली ये फोन को जो आराम से रिकमेंड किया जा सकता था, बट 11,500 रुपया देकर अगर आप ये फोन लेने जा रहे हैं तो आपको जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले भी नहीं मिल रहे, उल्टा जो इधर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है, जिधर अल्ट्रावाइड लेंस भी देखने को नहीं मिल रहे। तो सब कुछ लेकर मैं आपको बोलूंगा आपका प्राइमरी चॉइस ऑब्वियसली होना चाहिए Infinix का Hot 11s। हालांकि बाकी आपके ऊपर है, Realme का ये फोन भी काफी अच्छा है एंड ये फोन भी अगर आप लेते हो तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा वाइज बोलिए, परफॉर्मेंस वाइज बोलिए, हर एक मामले में।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11,000 रुपया में इन्फिनिक्स हॉट 11S जो है ज्यादा अच्छा तो वैल्यू प्रोवाइड हम लोगों को कर रहे हैं। बट दो महीने के बाद अगर आप फ्लिपकार्ट में जाकर दोनों फोन का अगर आप रेटिंग एंड रिव्यू चेक करेंगे, देखेंगे जो रियलमी का फोन है इसका रेटिंग रिव्यू एंड जो सेलिंग रेशियो है ये ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रियलमी जो है एक बड़ा नाम हो चुका है आज के दिन में मार्केट में एंड इसका रीच भी ज्यादा है, इसलिए देखेंगे रियलमी का ही फोन ज्यादा सेल होगा आफ्टर ऑल। ये एक बोलना चाहता हूं तो इसलिए बोल दिया। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया ये जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे कमेंट सेक्शन है जाइए कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल को ग्रो करने में ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।